देश भर में रामलला के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उद्यान विभाग के डायरेक्टर वीरेंद्र जुयाल पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि पौड़ी में भी 22 जनवरी को विभिन्न मंदिरों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का भगवान राम से सीधा संबंध रहा है। देवप्रयाग जहां भगवान राम की तप स्थली रही, तो वहीं माता सीता ने भी पौड़ी के फलस्वाड़ी गांव में भूमि समाधि ली थी। पूरा गढ़वाल भगवान राम के रंग में रंग चुका है और जैसे ही भगवान राम अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान होंगे, पूरे देश में दीप उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने आम जनमानस से भी अपने घरों में दीप उत्सव मनाने की अपील की है। पौड़ी से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। पूरे गढ़वाल की जनता राम जी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास में है। प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में पूरी तैयारियां हो रही हैं। जगह जगह राम जी के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। प्रत्येक मंदिर, छोटा हो, बड़ा हो, बड़े धाम हो, सब अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। रात को प्रत्येक जगह दिए जलाए जाएंगे। प्रत्येक गांव में एकदम से जो लगाइए कि दिवाली का त्यौहार वो भी इस समय कम होगा, क्योंकि ये महादिवाली है। राम जी आ रहे हैं, 500 वर्षों की गुलामी के बाद राम जी पुनः सिंहासन रूढ़ हो रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये उत्तराखंड की जनता